ले जी, काका जी आए हैं। उनका नया गाना आया है, उसका नाम उन्होंने एग्जैक्ट वही रखा है जो वो उनके अपने गाने के बोल थे जो बड़ा मशहूर हुआ था, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, अच्छा उसके गाने का नाम ही उन्होंने रख दिया। अच्छा, हाँ, आगे उन्होंने लिखा बिल्लो कैंदी। कॉलेज अली बास दे हाँ, मेरे ख्याल में ना हाँ उसी पे कुड़ी। था, शायद उसी के बोल थे, शायद कॉलेज अली बास के जरिए उसी के बीच में था। हाँ क्या ये दूसरे वाला था, मुझे अब याद नहीं, नहीं, लेकिन बाद ये उसी में बोल तो बहुत मशहूर था ये, तो इस पे बल्कि वो बिल्लो मौलवी बग्गे वगैरह ने भी बिल्लिया तो बड़े बहुत कुछ बहुत बहुत हुआ सारे लोगों ने इनके से हाँ अरे फनी फनी मीम्स भी हाँ बने थे। एक वो मौलवी है, उन्होंने भी बनाया था इस तरह हाँ से। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है बिल्लो कैंदी। अभी पता नहीं ये कहीं जवाबी तो नहीं उन्होंने लिखा कि अब वो लड़की बिल्लो की, कह रही है। हाँ अच्छा कि पहले वो बिल इनकी तरफ से था ना, कि बिल्लो पके की करेंगी यानी बिल्ले आदा, तो अब वो मेरे ख्याल में वो कह रही है अच्छा जवाब भी। तो देखते हैं क्या है जी। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟ अच्छा, ਤੇ ਟਰੋਲ ਕਰੂ ਦੁਨੀਆ ਏ ਦੇਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਵੀ ਕੋਹਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੂਰ ਹੈ ਕਹੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜੇ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿ ਰੋਏ ਨਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੇਗਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਬੇਲਗਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਚਿੱਟ ਗਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿੱਲਾ ਤਾਂ ਬਗਾਈ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा, ਨਾਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ वाइट होना लगाई चाहिए, चाहिदा बिल्लो कहंदी गवर्नमेंट बिल्ला जॉब तां से लगा होना बगाई चाहिए। चाहिदा बस
छोटा सा गाना था क्या बात लेकिन है बहुत यार। खूबसूरत, अब और बहुत कितना खूबसूरत, लंबा जवाब दे वो बहुत ही उनने सारा खूबसूरत, कुछ बहुत कहते खूबसूरत। देता है। लेकिन एक फनकार जो है वो तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। आपकी बातें, आपका लिखना, आपकी आवाज़, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये सदाबहार होता है, ये हाँ जरूरी नहीं है कि वो जो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड फॉलो करके तो फिर इनके 2-4 सालों में, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, काफी ज्यादा हाँ रहेंगे आप। नहीं वो कुछ फनकारों के साथ हकीकत भी है। बहुत सारे लोग देखे कि ज़िंदगी में ही उन्हें कोई नहीं बाद में बुलाता या पूछता, कुमार सानू इतना बड़ा नाम था या उस तरह के, और बहुत नहीं सारे लेकिन उन्होंने बहुत फनकार साल हैं। भी राज तो किया है ना, हाँ ये तो नहीं है कि अब वो सिर्फ तो छोटा सा लेने का करियर, नहीं है उनका, आप इस तरह से हाँ बात ना करें कि हाँ अब आके अगर वो हो गया तो वो हाँ एक्सपायरी डेट तो हर एक ही है, हाँ लेकिन हाँ वन हिट वंडर में हाँ और टैलेंट होने में हाँ और कुछ यानी के साल गुजारने हाँ में या 2-3-4 सालों में ट्रेंड के साथ और यानी के सरकारी फेड अफसर आउट भी होने रिटायर में हो जाते है। हैं, सरकारी अफसर भी तो रिटायर हो जाते हैं, हाँ उन्हें वही बात कर रहा हूँ ना सरकारी नौकरी कि चाहिए थी उसकी, वो भी तो रिटायर हो जाते हैं। मेरे एक मेरे में सियासतदान है जो 90 साल की उम्र तक रिटायर वो सिर्फ एक्सपायर होते नहीं हैं, जो असल में जो जिसे कहते हैं ना कि मरते हैं वो, होते तब वो लाइफ से जो है ना वो सारे। मुंतकिल होते हैं इंतकाल करके तो किसी अभी और जगह तो पे। काके का तो भी आगाज है, ये तो भी उन्होंने बहुत सारी तरक्की करनी है, बहुत रूल देखना, जो जाट जमी है छोड़ वास्ते वाली हाँ बात है, वो तो अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है इनका, और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, अच्छा शायद मैं एक दुनिया पे चीज राज करेंगे। उनके उनकी अपनी इनफरादियत है, उनका मतलब ज़्यादा जिंदा वो रहते हैं जिनका अपना स्टाइल और अपना एक अलग से वो जो पहचान बनाते हैं, जो ट्रेंड्स पे चलते हैं या जो दूसरों की नकल कर रहे होते हैं वो है होते हैं, अगर 3-4 साल बाद उनको कोई नहीं जान रहा होता या कोई नहीं, क्योंकि वो जाहिर है वो नकाल होते हैं। तो जो अपना लिखा हुआ लेके आते हैं, अपना एक स्टाइल लेके आते हैं, अपना एक उनका होता है, वो तो दूर से पहचाने जाते हैं, उनके उनको उनको तो पहचान रहती है कायम। उनको ट्रेंड सेटर कहा जाता है, हाँ वो ये उनमें से है, ये हाँ ट्रेंड बनाने वालों में हाँ से है, हाँ जैसे यानी जब ये लोग आए इनको थे। फॉलो करेंगे, इन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, इन्होंने किसी का रंग इनके ऊपर नहीं चढ़ा, बल्कि काला रंग तो इसलिए भी अच्छा होता है ना, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, और जो चिट्टे रंग पे तो दाग ही सबसे पहले पड़ते हैं, सीधी सी बात नहीं जी पक्का है। चिट्टा चाहिए, पक्का बिल्ला चिट्टा चाहिए। हाँ तो जी अच्छा वैसे नहीं तो वो फिर दूसरे तो हाँ देखेगा तो ये भी तो होता है ना। ये गाना सुनने के बाद ना मैं खास तौर पे जब ये हाँ सुन भी रहा था तो थ्रू आउट मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी और जो सोच आ रही थी वो ये कि बहुत अच्छा हुआ कि ये जितने लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरहाद वगैरह है ना, जो वो इतने सदियों पहले आए और मर मुकर के चले भी गए, नहीं तो आज के जमाने में अगर होते जलील हो चुके होते, उनकी कोई यादें यूदे ये कोई दास्तानें जो है वो मशहूर ना होती। वो वो इसलिए भी मशहूर है कि ना कि वो उस वक्त तो और कोई ऑप्शन नहीं थी, मतलब लोग जुबानी बैठ बैठ के कहानियाँ सुनाते थे एक दूसरे को, तो वो कहानियाँ जो है वो चलती गई, सीना बसीना चलते हुए अब तक पहुँच गई है, ठीक है ना। अब लोगों के पास टाइम ही नहीं रहा, अब आप हर चीज़ की उम्र जो है बहुत कम हो गई हाँ ये है, भी है। ठीक है हाँ ना। अब इतना बड़ा वो इंटरनेट ने इतना कुछ खोल के रख दी है कि आज आप एक चीज़ देखते हो कल भूल भी चुके होते हो कि उसमें क्या था क्या नहीं था, ये चीज़ है। तो उस वक्त तो सदियों तक वही चीज़ें वो सीना बसीना चल रही होती थी, आ रही होती थी। बहरहाल काका सरकारी बहुत बड़े मत फनकार है, बहुत बड़े फनकार है, और सबसे बड़ी इनकी जो अच्छाई है वो उनकी ओरिजिनलिटी है, और जो शख्स ओरिजिनल होता है, जो फनकार ओरिजिनल होता है, उसको बहुत अरूज मिलता है, कुदरत देती है उसको बहुत कुछ। नहीं जी बहुत अच्छा, मैं बल्कि ये कहने लगा था बीच में मेरी बात रह गई, मैं कह था कि ठीक है जो भी है वो तो था, लेकिन उस जमाने में ये टेंशन ही नहीं थी, जा जाके सरकारी नौकरी कर फिर मैं आऊंगी, ये नहीं था। वो अच्छा कहते थे 2 पत्ते तू खा ले 2 पत्ते मैं खा लूँ, जिंदगी गुजार लेंगे हम। हाँ अब नहीं होता वो था तो फिर आपने बहुत पुरानी बात की ना, तो, जब शशि पुनू गुआरों में को रहते केड़ी थे। अभी 2 साल पहले नहीं जमी नहीं थी। नहीं नहीं ससु पन्नू वगैरह वो तो, वो भी तो शहजादे वगैरह होते थे, वो कोई इस तरह की दास्तान नहीं है वो। तख्त हजारे छोड़ते थे वो, ठीक है वो तो हाँ बात समझ में आ गई वो मुझे, भी जमीनों वाले लेकिन फिर होते भी वो इस चीज पे फिर भी राजामंदी तो होती वो थी ना जी। कि पैसा पूसा छोड़ के आ गए। अब वो कहते नहीं पैसा लेके आ, पैसा मैनू दे दे आप वापस चला जा अब ये होता है। हाँ चलो अच्छा मैं उसका आईफोन 15 लूं। हाँ
फेशियल करो अपना जाके मैं। हाँ अब लड़कियां समझदार हो गई हैं, अच्छी बात जी, है। हाँ हाँ, लड़के और बेवकूफ हो गए। पहले चला दे जा निशानी, तेरी हाँ मेहरबानी पे रहती थी, अब समझदार हो गई, अच्छी बात ये हो गया। है। हाँ लो जी बहुत अच्छा गाना जवाब। ये इन्हीं का मैं एक बात बताऊँ, वैसे ये हाँ खुद ही बना सकते थे इसका जवाब, इसीलिए उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा हाँ इससे पहले के कोई और बनाए और हाँ बेड़ा गर्क करे उसका, इन्होंने खुद बनाया। और यानी क्वालिटी भी इसलिए उसकी है कि उन्होंने खुद बनाया ये, और इसी तरह का बनना चाहिए था इसका और ये भी इनका अपना ही वो है अंदाज। हाँ अंदाज और मिसरा जो है, बग्गे बिल्लो बग्गे अल्लाह की हाँ करेंगे, मतलब ये आज तक ये भी तो एक ट्रेंड बन गया हो ना, जितनी बग्गियां और जितनी बिल्लोए सारों के लिए। हाँ बग्गे बिल्लो अल्लाह की करेंगे। लो जी बहुत अच्छा गाना, हमें तो बहुत अच्छा लगा है, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। देखें एंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफिज़।